बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत एक बार फिर से खबरों की सुर्खियां बन चुकी हैं। सुशांत के मौत का हिसाब लेने वाली और उन्हें जस्टिस दिलाने वाली मुंबई की रानी कंगना रनौत ने मुंबई सरकार से एक बार फिर से हिसाब लेने वाली है। जी हां, उनके इस जज्बे को देख बॉलीवुड के कई स्टार कर रहे हैं उनका सपोर्ट, लेकिन वे कौन से स्टार्स हैं जो कर रहे हैं कंगना रनौत का सपोर्ट, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन भी दबा दे। तो चलिए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में जो दे रहे हैं कंगना रनौत का साथ। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जी हां, कंगना के ऑफिस को इलीगल करार देते हुए जेसीबी से तोड़ा गया, जिस पर कंगना भड़क उठी और इस पर उन्होंने मुंबई सरकार को बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, जो कि काफी वायरल भी हुई थी। और अब इस पूरे मामले के लिए वे मुंबई सरकार से जवाब मांग रही हैं, जिसे देख अब बॉलीवुड के कई सितारे ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कंगना का सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। हालांकि अभी भी बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने इसके लिए अभी तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, लेकिन वहीं इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। तो चलिए आज हम उन सितारों के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं जो कंगना रनौत के लिए अपने रिएक्शन दे रहे हैं। जी हाँ, जिनमें से पहले नंबर पर है बॉलीवुड की फेमस देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने इस मामले को गलत करार देते हुए मुंबई सरकार की निंदा की है। तो वहीं दूसरे नंबर पर हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, जिन्होंने कंगना का सपोर्ट करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की गहराई तक जाना चाहिए और इसकी जांच पूरी गहराई तक की जानी चाहिए। इनके सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर पर आ रहे हैं आर माधवन, जिन्होंने पहले भी कंगना के साथ हिट फिल्म कर चुके हैं और अब उनके साथ खड़े हैं और अपना नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इन तीनों के अलावे चौथे नंबर पर आ रहे हैं अजय देवगन, जिन्होंने पहले भी कंगना का साथ दिया था और अब जब ऑफिस तोड़ने की घटना सामने आई है तब वे भला कैसे चुप बैठते हैं। इसलिए उन्होंने नेगेटिव रिएक्शन देते हुए कहा कि मुंबई सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही अवैध है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और अगर आप भी कंगना के सपोर्ट में खड़े हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।